इनसे कुछ बातें पूछते हैं। तो आप ये बताइए गुरु जी यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं, यहीं मोहल्ले के निवासी से, गांव के निवासी। अच्छा, ये दोस्तों आपको दिखा दिया मैंने नया घर, अब आपको पुराना घर भी दिखाने चलता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कहाँ पे है, लेकिन तब भी मैं गांव वाले से पूछ के मैं जा रहा हूँ, आगे बताता हूँ कहाँ पे गुरुजी का घर है। चलिए चलता हूँ। गुरुजी का गांव जो गड़ा गांव है वो आप देख सकते हो, नीम के वो है ना। हाँ, नीम के सीधे। तो सीधा चलता हूँ, गुरुजी के गाँव के बच्चे हैं, तो सीधा जाओ गुरुजी का घर मिल जाएगा पुराना वाला। तो नया वाला घर तो आपको दिखा दिया, लेकिन मैं जहाँ गुरुजी रहे हैं बचपन में खेला कूदा करते थे, पढ़े लिखे हैं, वो भी घर आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए चलता हूँ, कहाँ पे है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं गांव वालों से पूछ के आपको दिखाता हूँ। है गुरुजी गांव में ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ? ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऐसे ही सादा गाँव है, लेकिन घर घर सही बन गए अभी, लेकिन कोई भी खराब भी अभी देखो ये टूटे उठे भी हैं। आप देख सकते हो गुरुजी के गांव गड़ा ग्राम। दोस्तों आप देख सकते हो पुराना घर भी गांव में बना हुआ होता है, पुराना घर ये आप देख सकते हो, ये देख लो सदना 2 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो गुरुजी का घर मिल गया है, ये जो आपको पुराना वाला घर दिख रहा है ये यही है गुरुजी का घर। ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, देखो बागेश्वर धाम सरकार, यही उनका घर था पुराना, जो बोला करते थे अक्सर मैं इस गांव में रहता था। इतना ही है ना, ये आप देख सकते हो यहीं पे गुरुजी खेला कूदा करते थे। और इधर भी आपको दिखा दूं, ये किसी दूसरे का है, उतना ही है गुरुजी का घर। ये आप देख सकते हो गुरुजी का घर, झोपड़ी पड़ती थी तो उसी स्टाइल में ये बनाया है, तोड़ ताड़ के फिर से बनाया डेवलप करके। और ये गुरुजी की गाड़ी खड़ी हुई है बागेश्वर धाम सरकार। आपको साइड से भी घर दिखा देता हूँ, इधर से यही है गुरुजी का पुराना घर, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा सा ही है। तो दोस्तों आपको मैंने दिखा दिया गुरुजी का घर, तो इनके गांव से ये हैं, इनके यही घर है उनके पास में ही। इनसे पूछते हैं गुरुजी यहीं पढ़े लिखे हैं? यहीं पढ़े लिखे हैं। ये गुरुजी का घर था तो यही पुराना वाला जो आपको दिखाया बताया मैंने पहले से ही, तो यहाँ पे गुरुजी रहते थे, यहीं पे खेला कूदा करते, यहीं पे उनका जन्म हुआ था, यहीं पे स्टडी भी वगैरह करते थे, यहीं करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आपको पुराना घर भी दिखा दिया गुरुजी का। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट करके, मैं आपको वो भी बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। हमारे साथ ये दोनों भाई भी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सिंह है। और आपका? ये भी हमारे साथ आई, ये भी बागेश्वर धाम में ही आए हैं। तो आप देख सकते हो गुरुजी घर काफ़ी छोटा सा ही है, अक्सर बोला करते थे ना गुरुजी, तो यही उनका घर है। देख सकते हो गुरुजी घर पे उन्हें दिया देखो जलाए आके, देख सकते हो कितने ज़्यादा दिए पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मैंने आपको बोला था पहले से ही, गड़ा गाँव यही है गड़ा गाँव। और इधर से भी आपको भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो गुरुजी का, गुरुजी के और पास के ये घर आप देख सकते हो, और ये गुरुजी का पुराना घर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो गुरुजी भी काफ़ी बहुत ही प्रॉपर लो, बिल्कुल ज़मीन से निकले हुए आदमी। आप देख सकते हो उनका भी घर ऐसा ही है, बिल्कुल टूटा फूटा था, अभी इस पर पलस्तर वलस्तर हो गया है। आप देख सकते हो गुरुजी ने भी काफ़ी संघर्ष झेले हुए हैं, जो अक्सर बताया करते हैं वो यहीं के वो रहने वाले थे, यहीं के निवासी, यहीं पे खेला कूदा करते थे पहले भी। ये आप देख सकते हो ये इसी मिट्टी पे गुरुजी ने जन्म लिया है और यहीं पे वो रहते थे, बने इनका गुजरा हुआ है। तो आपको मैंने गुरुजी का घर तो दिखा दिया, तो घर के पास गुरुजी के घर के पास और भी ज़्यादा घर हैं, उनमें से एक बाबा बैठे हुए हैं, तो इनसे कुछ बातें पूछते हैं। तो आप ये बताइए गुरुजी यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी, यहीं मोहल्ले के निवासी, गांव के निवासी। अच्छा, यहीं पे उनका जन्म हुआ, यहीं रहते थे, यहीं खेला कूदा करते थे। आपने तो देखा होगा बचपन में। देखा। तो बचपन में कैसे थे, शरारती थे या
नटखटते कैसे थे? एक नॉर्मल बच्चे होता है वैसे थे? इनको तो बचपन ही से ही इनको धार्मिक। अच्छा, बचपन से ही धार्मिक स्थल के आदमी थे। उनके जो दादा गुरुजी थे वो भी यहीं रहते थे? यही उनका सब परिवार था। सब परिवार इसी घर में रहता था? अच्छा, ये उनका पूरे परिवार का घर है, उन्हीं का पूरा परिवार है। आप देख सकते हो ताऊ आप जी जो बोलते हैं ना, किसी उनका यही ताऊ जी घर होंगे, उनके चाचा आचा के। आप देख सकते हो गुरुजी के गांव के भी लोग कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने सावधानी से मुझे बता दिया। और आप देख सकते हो गुरुजी का गांव जो कि एक नॉर्मल गांव होता है उसी प्रकार का है। गुरुजी भी काफ़ी नहीं कोई हाई लेवल के कोई बंदे होंगे ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गरीब आदमी होता है वैसे थे गुरुजी। उनके मकान आप देख सकते हो कितना छोटा सा मकान था उनका। लय थे वो कि शर्मिंदगी के मारे उन्होंने अपना जो घर है उस पर पलस्तर वलस्तर करवा दिया है। आप देख सकते हो गुरुजी के गांव में अभी भी खपड़ी के मकान बने हुए हैं। नाम भैया नॉर्मल गांव है ना, बिल्कुल कुछ है गांव नॉर्मल है। ये आप देख सकते हो पुराने जमाने का कुआं, पानी निकाला जाता है इससे। ये भी गुरुजी के गांव में भी स्थित अभी भैया। ये है देखिए, ये देखिए जो आदमी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुरुजी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, ये है वो है। तो आप देख सकते हो मैं गुरुजी के गांव से अभी आया पुराना घर दिखा के, अब आपको देखो नया घर भी आपको दिखा दें। ये नया घर है गुरुजी का। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।